तो ये ग्रेविटेशन आपका पूरा खत्म हो गया है, इतना ही आपका नीट के सिलेबस में। आज लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग सेटेलाइट के बारे में, क्योंकि कभी कभी आपका जियो स्टेशनरी सेटेलाइट पूछता है। तो आज एक छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सेटेलाइट क्या होता है सबसे पहले, व्हाट इज सेटेलाइट, हाउ वी कैन डिफाइन द सेटेलाइट, ठीक है। सेटेलाइट मतलब क्या, एनी लाइटर बॉडी, एनी स्मॉलर बॉडी विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द हेवियर बॉडी, हेवियर पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, 9.11 × 10⁻³¹ केजी, और जो प्रोटॉन का मास क्या है इन टर्म्स ऑफ 10⁻²⁷ केजी। तो 10⁻²⁷ बढ़ा कि 10⁻³¹ बढ़ा, तो 10⁻²⁷ बड़ा है और 10⁻³¹ क्या है, छोटा है। दैट्स व्हाई ऑल द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। मून का मास क्या है, कम। अर्थ का मास क्या है, हेवियर है। मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, नॉट द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द मून। अर्थ का मास क्या है, कम है, 6 × 10⁻²⁴ केजी। सन का मास क्या है, 2 × 10⁻³० केजी। तो अर्थ क्या है, लाइटर बॉडी है, सन क्या आपका हेवियर बॉडी है। दैट्स व्हाई द अर्थ एंड ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है। तो एनी लाइटर बॉडी, हल्का, एनी लाइटर बॉडी विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द हेवियर पार्टिकल, हेवियर बॉडी एंड फिक्स्ड पाथ, फिक्स्ड पाथ, पाथ मतलब क्या, ऑर्बिट, इट्स कॉल्ड व्हाट, सैटेलाइट। ठीक है, एनी लाइटर बॉडी विच इज रिवॉल्विंग, ठीक है, एनी लाइटर बॉडी विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द हेवियर बॉडी इन अ फिक्स्ड पाथ, इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सैटेलाइट, ठीक है। तो कहीं भी अगर आपका एक जहां भी फिक्स पाथ है, तो मान लीजिए इसका मास क्या है, स्मॉल है, इसका मास क्या है, कैपिटल। हमेशा याद रखना है कि जो स्मॉल m है जब रिवॉल्विंग बॉडी का मास कम होगा, ठीक है, जिसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तभी वो पार्टिकल आपका बैलेंस कंडीशन में वो रिवॉल्व कर सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट, क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। ये सैटेलाइट बहुत सारे आपको पता है, हर जगह एग्जांपल में यूज होता है इसका, हर जगह यूजेज है, वेदर फोरकास्टिंग है, ठीक है, मिलिट्री पर्पसेज है, जितने भी नेविगेशन वगैरह करना हो तो वहां सैटेलाइट यूज होता है, ठीक है। तो मेन आपको देखना है क्या, इसके बारे में कुछ फॉर्मूला जो जानना आपको, और इसमें डिफरेंट टाइप का सैटेलाइट आपको पता है। पोलर सैटेलाइट मतलब क्या, जो भी पोल के अराउंड रिवॉल्व करेगा। इक्वेटोरियल सैटेलाइट मतलब क्या, जो इक्वेटर के अराउंड रिवॉल्व करेगा, ठीक। पर एक होता है आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वो आपका इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो वो क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्योंकि हम लोग पे टाइम ऑलरेडी नहीं है टाइम बर्बाद करने के लिए, बहुत ही कम समय में पूरा पढ़ना और पूरा
ठीक है, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए तीन चार पॉइंट इसके बारे में। मान लीजिए आप अर्थ है और यहां पर सेटेलाइट है, ठीक है। तो जिसका हाइट फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, जिसका हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और ये जो रेडियस है आपको पता ही है, ये मेरा है एच, और यहां पर ये ऑर्बिट बनाकर ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ। तो अगर हाइट का वैल्यू दिया है 3500 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, 600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस, इतना 35,000 ऑफ अर्थ अबव द सरफेस ऑफ। और अगर आप डिस्टेंस, जो आपको पता है कि डिस्टेंस हमेशा क्या लेना है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। तो अगर आप सेंटर ऑफ अर्थ से उस सेटेलाइट का डिस्टेंस लेंगे तो इसमें 6400 किलोमीटर, दैट इज व्हाट द रेडियस ऑफ अर्थ, ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल यहां से यहां तक कितना आएगा, अगर हम टोटल की बात करेंगे, ये मेरा ये टोटल यहां से यहां कितना आएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 42,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, क्या बोलेंगे। So the satellite which revolve at a height of 35,600 kilometer above the surface of Earth, or the satellite which revolves around 42,000 kilometer from the center of Earth, that is called what, geostationary satellite. उस satellite को हम लोग बोल रहे हैं geostationary satellite, ठीक है। और ये जो orbit है, इसके orbit को हम लोग बोलते हैं parking orbit. क्या बोलते हैं, पार्किंग ऑर्बिट। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट इज कॉल्ड पार्किंग ऑर्बिट, पहला डिफिनेशन हुआ, ठीक है। पहला डिफिनेशन क्या है, ठीक है, तो आप सुन चुके हैं, लिखने का जरूरत नहीं, ठीक है, आप सुन चुके हैं। द सैटेलाइट विच रिवॉल्व अबव द हाइट ऑफ 35,600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड from the center of earth, the 42,000 kilometer from the center of earth, that satellite is called geostationary and the orbit is called parking orbit. ab dekhiye isko geostationary kyon bolte hain, dekhiye geo matlab hota hai earth, jis tarah aapka study of earth ko hum bolte hain geology, theek hai, to geology ek subject hai science ka which, theek hai, which study about all the behavior of earth, jitne bhi phenomena hote hain, jitne bhi kuch सरफेस पर इफेक्ट होता है वो जियोलॉजी में पढ़ा जाता। तो जियो मतलब क्या अर्थ, और स्टेशनरी मतलब क्या, रुका हुआ। तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू जियो, जो सैटेलाइट रुका हुआ अपीयर हो उसे हम लोग बोलते हैं जियो स्टेशनरी। अब कैसे रुका हुआ होगा, तो देखिए जब एक पार्टिकल, मान लीजिए आपका दो लोग साइकिल चला रहे, इसका भी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, इसका भी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, और दोनों का डायरेक्शन सेम हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, सिर्फ वेलोसिटी नहीं, दोनों का डायरेक्शन भी क्या हो, सेम, तब क्या होगा, जब आप 10 किलोमीटर पर आवर से ए भी मूव कर रहा है, बी भी मूव कर रहा है, तो रिलेटिवली वन, ठीक है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव टू वन अनदर, यहां पर दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या, आपका रेस्ट पर है, बोथ द बॉडीज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, ठीक है। तो जैसे ये आप मूव कर रहे हैं, आप बात करते हुए चल रहे, भलाई आप मोशन में है, जो ग्राउंड पर ऑब्जर्वर हो क्या देखेगा, दोनों मूव कर रहे हैं, पर आप एक दूसरे से बात करते चल रहे हैं कि हाँ तुम क्या खाए, तो हाँ हम पनीर खाए, क्या आया, तो भाई पूड़ी आया, पूड़ी सब्जी,
बात करते चल रहे, ठीक है। तो जब आपका डायरेक्शन भी सेम है और जब आपका वेलोसिटी सेम है, तब आप क्या है, एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल एक दूसरे के सामने है। हाँ, जहां स्पीड 11 हुआ और जहां स्पीड आपका 10 है, एक पीछे और एक आपका 10, ठीक है। तब यहाँ क्या होगा, ये पीछे और ये क्या होगा, आगे, ठीक है। तो जहां भी आपका वेलोसिटी और डायरेक्शन सेम हो, तो वहां पर विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर बॉडी क्या होता है, रेस्ट पर होता है। तो यहां भी वही कंसेप्ट है कि जो सैटेलाइट का स्पीड है और जो सैटेलाइट का डायरेक्शन है वो सेम है एज कंपेयर टू रोटेशन स्पीड ऑफ एंड डायरेक्शन इज व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी क्यों कहते हैं, तो याद रखना ये, ठीक है। ये जो वर्ड है जियो स्टेशनरी, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो अगर ये आपका अर्थ है, ठीक है, और ये जो भी सैटेलाइट है, तो अगर मान लीजिए सैटेलाइट है मेरा और ये मेरा अगर अर्थ है, तो इसका भी स्पीड क्या है, ओमेगा, और इसका भी स्पीड क्या है, ओमेगा, पहला। दूसरा, इसका जो एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन है, तो वेलोसिटी भी आपका एंगुलर वेलोसिटी सेम है और डायरेक्शन भी क्या है, फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्या, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और यहां भी क्या है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब देखिए, जो सैटेलाइट का स्पीड है वही अर्थ का भी स्पीड, जो सैटेलाइट का डायरेक्शन है वही अर्थ का भी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए जब अर्थ से आप सैटेलाइट को देखेंगे तो लगेगा रुका हुआ, और जब सैटेलाइट से आप अर्थ को देखेंगे तो क्या लगेगा, रुका हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों का टर्निंग स्पीड है, जो दोनों का रोटेशन स्पीड है, जो दोनों का डायरेक्शन है, बोथ आर सेम, ठीक है। तो इसलिए आपका विद रिस्पेक्ट, ठीक है, तो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन एंड डायरेक्शन ऑफ सैटेलाइट इज सेम एज दैट ऑफ अर्थ, ठीक है, इज कॉल्ड जियो सैटेलाइट। सिंस द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन एंड डायरेक्शन ऑफ सैटेलाइट इज सेम एज दैट ऑफ अर्थ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तो ये सब जो मेन पॉइंट है आपको याद रखना। अब देखिए, जो और भी कुछ पॉइंट है इसमें याद रखने के लिए, वेलोसिटी क्या होगा, तो जिस वेलोसिटी से आपका सैटेलाइट रिवॉल्व करता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो रिवॉल्व करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। मान लीजिए अर्थ है और इसके चारों तरफ ये रिवॉल्व कर रहा है, मान लीजिए अर्थ है और इसका ये पार्किंग ऑर्बिट है, क्या ये पार्किंग ऑर्बिट, और यहां पे एक सैटेलाइट है, ठीक है। तो ये इसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी, वी नॉट, कितना आएगा। तो देखिए, जो भी आपका लाइन जॉइनिंग का सेंटर रेडियस है, ये आपका
इफ आर इज व्हाट द रेडियस ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ, तो यहां पर क्या होगा ग्रेविटेशन फोर्स, जहां भी मास है ग्रेविटेशन फोर्स होगा कितना होगा, तो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू व्हाट एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इज इक्वल टू व्हाट एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यहां से आप लोग निकालिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सो द मास ऑफ पार्टिकल मतलब मास ऑफ सैटेलाइट व्हिच इज रिवॉल्विंग वो कट गया, ठीक है, तो यहां से आर आर भी गया और एम भी गया, सो दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी, हमेशा याद रखना है क्या, तो जी एम अपॉन आर क्या रूट में, और ये जी एम अपॉन आर मतलब क्या, तो रूट ऑफ जी मास ऑफ प्लानेट, और ये क्या है आपका आर प्लस एच, आर मतलब क्या रेडियस ऑफ प्लैनेट, और एच मतलब क्या कितना हाइट वो ऊपर रिवॉल्व कर, कितना हाइट वो ऊपर रिवॉल्व कर रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको आप बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्या बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, the velocity with which any satellite is revolving around the earth, या फिर the velocity of any satellite which is revolving around something heavier, ठीक है, जिस तरह earth revolve कर रहे हैं sun के तरफ, या फिर moon is revolving around the earth, so इसको बोलते हैं orbital velocity, और हमेशा ध्यान दीजिए orbital में कि ये mass of satellite, mass of planet पर depend नहीं करता, इसी पर conceptual question आ सकता है NEET में, क्या कि टू सैटेलाइट्स ए एंड बी ऑफ मास स्मॉल एम एंड टू एम आर प्लेस्ड एट अ रेडियस ऑफ आर एंड टू आर, ठीक है, या टू सैटेलाइट्स ऑफ मास एम एंड टू एम आर प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, सो सजेस्ट विच सैटेलाइट हैज मोर ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, आपको बताना है क्या किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, ऑप्शन दे दिया वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, वी ए इज लेस देन वी बी, वी ए इज इक्वल टू वी बी एंड नॉन ऑफ दिस, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे स्मॉल एम नहीं आया है, स्मॉल एम मतलब क्या मास ऑफ सैटेलाइट नहीं है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट, चाहे वो एक ग्राम का पार्टिकल है, चाहे वो आपका 1000 kg का पार्टिकल है, अगर सेम डिस्टेंस है तो दोनों का वेलोसिटी क्या होगा सेम, क्योंकि वो तो वैक्यूम में चला गया ना, सैटेलाइट कब रिवॉल्व करेगा जब वैक्यूम में है, ऊपर है, ऊपर के लेयर में ग्रेविटी वहां पर नहीं है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी orbital velocity, orbital भी और escape भी याद रखना है, क्योंकि escape का भी formula क्या आया था आपको याद होगा, हम अपने lecture में पूरा clear बताएं, under root 2 gr या फिर root of 2 gm upon r, m मतलब capital M है, small m नहीं, तो escape velocity चाहे एक particle आपका 1 kg का है, चाहे एक 1000 kg का particle, question हम बताए थे if an ant and elephant If both we are willing to cross the gravitational pull of Earth, तो दोनों के लिए जो आपको स्पीड देना पड़ेगा दोनों के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तो ऐसा नहीं कि आपका लाइटर के लिए कम और हेवियर के लिए ज्यादा, नहीं, जो मिनिमम स्पीड है दोनों के लिए 11.2 है, हाँ बाकी आप जितना ज्यादा स्पीड देंगे उतना वो दूर जाकर वो अपना ऑर्बिट बनाएगा, उतना दूर जाकर वो अपना रेडियस ऑफ रिवोल्यूशन बनाएगा, तो याद रखना है कि स्केप वेलोसिटी या फिर आपका ग्रेविटी जो ग्रेविटी है, ठीक है,
escape velocity and acceleration due to gravity, तीनों जो इस फॉर्मूला में, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी सब यहां पे एक जगह लिख दे रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी एंड एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशन इसमें से पोटेंशियल निकालते रहे, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है माइनस जीएम अपॉन आर, तो जहां भी मास ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है तो वो क्या होगा, अलजेब्रिक सम, फिर इसके लिए एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा कि जहां टेस्ट मास है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए हटा दे रहे, बस ये याद रखिए कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, एक हाइट सेम है, ठीक है, तीनों के डायग्राम देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तीन डायग्राम बना रहे, तीनों हमेशा याद रखना है नीट एग्जाम तक, ठीक है, पहला क्या आपका, मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, आपका अर्थ सरफेस है, और यहां पर आप दो ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हैं फ्रॉम सेम हाइट, ठीक है, एक का मास क्या है 1 kg, एक का मास क्या है 10 m, एक का मास है m, एक का मास 10 m, एक का मास 1 kg, तो दूसरे का क्या आपका 100, 10 m, एक का मास 1 kg, दूसरा क्या आपका 10, एक का मास 10, तो दूसरे क्या आपका 100, मतलब 10 टाइम्स ज्यादा है, और ये दोनों का जो हाइट ऑफ फॉल है जहां से आप रिलीज कर रहे हैं ग्राउंड के लिए, अर्थ के लिए, जहां से आप रिलीज करें, दोनों के लिए सेम है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये भी आपका हाइट है, ये भी आपका हाइट है, तो दोनों में ग्रेविटी क्या होगा, सेम, दोनों में ग्रेविटी क्या होगा, यहां पे जी, यहां पे जी, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, जी अपॉन आर स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है और आर पे डिपेंड करता है, तो अगर दोनों का आर सेम है, दोनों सेम हाइट से रिलीज कर रहे हैं, दोनों सेम हाइट से रिलीज कर रहे हैं, तो बोथ द पार्टिकल विल टच द ग्राउंड इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इफ टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस एंड 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 एन एलिफेंट इज रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट, देन बोथ द पार्टिकल विल एक्सपीरियंस सेम ग्रेविटी, इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो आपको पता है इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ 2 जीएम अपॉन आर, या फिर इसी को आप बोलते हैं रूट ऑफ 2 जी आर, ये आर मतलब क्या, रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि कोई पार्टिकल पहले रेडियस ऑफ अर्थ पर था, सरफेस ऑफ अर्थ पर, अब उस पार्टिकल को आपने उठाकर थ्रो किया ताकि ये मेरा ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाए, तो आप जो वर्क किए थे, आप कहां से किए थे, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द इंफिनिटी, ये डेरिवेशन कराए, तो पहले पार्टिकल आपका कहां पर था, सरफेस ऑफ अर्थ पर, तो इसलिए डिस्टेंस क्या था आपका आर, तो यहां भी कहीं भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर आपका 1 kg का ऑब्जेक्ट है या 50 kg का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये 1 kg का ऑब्जेक्ट है या 50 kg का ऑब्जेक्ट है, दोनों को थ्रो करने के लिए मिनिमम जो चाहिए वो क्या चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, उस तरह ऑर्बिटल भी है कि मान लीजिए अगर ये अर्थ है, सन है, और इसके चारों तरफ दो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं सेम ऑर्बिट में, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, या तो आपका प्लैनेटरी सिस्टम है सन और प्लैनेट, या अर्थ और सैटेलाइट है, या फिर अर्थ और मून है, कुछ भी क्वेश्चन में दिया है, आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, याद रखना है, जो मेन मेन यहां पर सेंटर में उसके उस पर डिपेंड करेगा,
ठीक है, तो अगर यहां पर मास ऑफ सन है और यहां पे दो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं सेम रेडियस पे, एक तो आपका ये एक सैटेलाइट मान लीजिए ये और एक सैटेलाइट ये है, दोनों का डिस्टेंस क्या आपका आर, दोनों का डिस्टेंस क्या आर, तो दोनों जगह जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा वो सेम होगा, यहाँ का जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है और यहाँ जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो हर जगह आपका सेम होगा, कितना होगा, तो यहाँ भी क्या होगा, वी नॉट इज इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ जी एम अपॉन आर, और यहाँ भी क्या होगा आपका, ठीक है चार्जर ऑन करना पड़ा, यहां भी कितना होगा, तो जीएम अपॉन आर, तो इफ द टू डिफरेंट सैटेलाइट्स और इफ द टू डिफरेंट प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड समथिंग हेवियर एट द सेम ऑर्बिट एट द सेम डिस्टेंस, तो दोनों के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी सेम होगा, तो ये आपको एक जगह एक ही सब जगह याद रखना है कि ग्रेविटी है, एस्केप वेलोसिटी है ऑर्बिटल, दैट इज व्हाट इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसके मास पे डिपेंड करता है, जिस तरह ग्रेविटी, तो ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करेगा, जो पार्टिकल फॉल हो रहा है ड्यू टू एक्शन ऑफ हेवियर प्लैनेट उस पे डिपेंड नहीं करता, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट कभी भी यहां कंसिडर नहीं होगा, ठीक है, तो ये था मेरा ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब देखिए बहुत ध्यान से, एक रिलेशन है आपका, अब देखिए इसी इक्वेशन में ठीक है, इसी इक्वेशन में अगर r का जो वैल्यू है, h का वैल्यू, ऐसे तो कुछ हाइट ऊपर सैटेलाइट रिवॉल्व करता है आपको पता है, पर h का वैल्यू बहुत ही कम है, मतलब नेग्लिजिबल है, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऊपर अगर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे जो r प्लस h है वेन R plus H is what? Approximately equal to R. ठीक है, वेन सभी को दिख रहा ना बच्चे, YouTube में मैसेज सर मेरी फ्रेंड्स के न्यूमेरिकल में बहुत टाइम लग रहे हैं, अभी ये बाद में डिस्कशन होगा आपका, न्यूमेरिकल में टाइम क्यों लग रहा है, कैसे स्पीड बढ़ाया जाए, अभी यहां पे जो लिख रहे हो दिख रहा ना प्रॉपर, ठीक है, तो यहां पर देखिए कि अगर आपका R plus H is equal to approximately equal to R, ठीक है, ये जो आपका R plus H is what approximately equal to R, यहां पे क्या आएगा आपका, ये V naught is equal to GM upon radius आ जाएगा, GM upon radius, कब, जब हाइट ऑफ सैटेलाइट बहुत ही कम है, ठीक है, तो यहां पर आप कैपिटल जी का वैल्यू पुट कीजिए 6.673 इनटू 10 का पावर -11, मास ऑफ अर्थ पुट कीजिए क्योंकि हम लोग सैटेलाइट अराउंड द अर्थ पढ़ रहे हैं, तो मास ऑफ अर्थ क्या है 6 × 10⁴ kg अप्रोक्स, एंड रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, उसको यूनिट में लेना पड़ेगा, तो 6.4 × 10⁶ मीटर, तो यहाँ वैल्यू क्या है अप्रोक्स में 8 किलोमीटर पर सेकंड, क्या आएगा आपका 8 किलोमीटर पर सेकंड, क्या आएगा आपका 8 किलोमीटर पर सेकंड, तो ये आपका वैल्यू है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 8 किलोमीटर पर सेकंड। अब देखिए यहां पर एक रिलेशन बता रहे हैं हम आपको, जो ये फॉर्मूला है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, जो आपका यहां से क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी नॉट इज इक्वल टू, अभी जो फॉर्मूला है जी एम अपॉन, और ये जो भी आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, तो ये आपने लिया आर,
जे वो कौन आ, या फिर इसको आर प्लस एच भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ग्रेविटी, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो हमको पता है क्या, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर रेडियस के टर्म। और अगर बहुत दूर है उस समय, क्योंकि जी एम अपॉन आर स्क्वायर मतलब क्या, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। पर जब आपका पार्टिकल ऊपर है तो वो सेटेलाइट का और ये सेंटर का डिस्टेंस ये स्मॉल आर होगा। आर मतलब क्या, आर प्लस एच। तो यहाँ पे ग्रेविटी का वैल्यू क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं क्या, जी आर स्क्वायर अपॉन आर। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होगा, जी एम मास ऑफ अर्थ और लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, तो क्या आएगा आर। तो आर आर गया तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कैन बी रिटन एज अंडर रूट टू जी आर, अंडर रूट टू जी आर। क्या होगा, अंडर रूट टू जी आर। पर आपको यह भी पता क्या, ठीक है, कि जो एस्केप वेलोसिटी है, क्या आपका एस्केप वेलोसिटी, तो यहां पर भाई अगर कंडीशन हम लगाएं, सॉरी टू नहीं आएगा ना, टू कहां से आएगा, ये तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो यहां से आर आर गया तो क्या होगा, जी आर, क्या होगा, जी आर। तो अगर हम कंडीशन यही लगाएं कि जो मेरा आर है वो अप्रोक्सीमेटली क्या है, आर के बराबर है, अभी यही कंडीशन लेके चल रहे, अभी मेरा कंडीशन ये है कि जो आर प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर, मतलब जो आर मतलब क्या है, आर प्लस एच जो है वो मेरा रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। हाइट ऑफ सेटेलाइट बहुत ही नेग्लिजिबल है, कम है, 5-6-10 किलोमीटर। तो भैया रेडियस ऑफ अर्थ है आपका 6400 किलोमीटर, और उसके कंपेरिजन में जो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का जो सैटेलाइट है वो हाइट क्या आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आर लें तो यहाँ से ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, रूट जी आर, क्या आएगा, रूट जी आर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं फॉर्मूला बना कि जब भी आपका एस्केप वेलोसिटी होता है तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, यहाँ लिखे भी एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ टू जी आर, रूट ऑफ टू जी आर। रूट टू को अलग कीजिए, जी आर को अलग कीजिए, रूट टू को अलग, रूट ऑफ जी आर को अलग, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये रूट के अंदर आएगा, टू जी आर होगा। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी आप अपने एस्केप ये एम्स में, नीट में, हर में देख सकते हो। एम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है और नीट में भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एम्स के बुक में जो प्रीवियस ईयर का जो बुक है आपके पास, आप मिला सकते हैं वहां पर, ये एम्स का क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है, तो इतना ईजी है, इसके वेलोसिटी कैन बी रिटन एज रूट टू टाइम्स ऑफ रूट जी आर, मतलब क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी इसको बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना है कि एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स ऑफ वी नॉट, रूट टू टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। या फिर या ये भी लिख सकते हैं कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है दैट इज व्हाट, एस्केप वेलोसिटी अपॉन रूट टू, ठीक है, कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, एस्केप वेलोसिटी अपॉन। और वाइटल वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, एस्केप वेलोसिटी अपॉन रूट टू। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट रिलेशन, एस्केप इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स ऑफ वी नॉट एंड ऑर्बिटल इज इक्वल टू व्हाट, एस्केप वेलोसिटी अपॉन रूट टू। नाउ द थर्ड एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट इन द सैटेलाइट इज व्हाट, ठीक है, आपको पढ़ना है क्या, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट के बारे में। सबसे पहले देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यहां से पहले वीडियो हटा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस जी एम अपॉन आर, क्या होगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इसका, ठीक है, इधर का हम पहले डिलीट कर रहे हैं, ये आपको पता है, इस पोर्शन को हम यहां से डिलीट कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, इंपॉर्टेंट है, बाकी ये वीडियो भी आप दोबारा देखना तो अच्छा रिविजन हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हमको बताना क्या, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, टोटल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कितना आएगा बताइए,
सबसे पहले कोई भी यहाँ पे मान लीजिए अर्थ है और ये सैटेलाइट मेरा रिवॉल्व कर रहा है, ये डायग्राम देखते रहना, ये जो मेरा डायग्राम है, ये वैक्यूम में मान लीजिए अर्थ के सराउंडिंग में आपका कोई भी सैटेलाइट है, सैटेलाइट इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो यहां पर क्या आएगा? ठीक है, यहां पर क्या आएगा? तो यहां पर हमें पता क्या कि ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है भैया? तो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल एम, क्योंकि स्मॉल एम मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो यहां पर जो बैलेंसिंग फोर्स होगा वो स्मॉल एम पर आएगा, सेटेलाइट पर आएगा, ये स्मॉल एम है, ये मेरा कैपिटल एम, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर जिसे आप बोलते हैं ऑर्बिटल, जिस वेलोसिटी से वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, द वेलोसिटी विथ विच एनी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन सेटेलाइट प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द हेवियर पार्टिकल, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट? ऑर्बिटल वेलोसिटी, या एम वी स्क्वायर अपॉन आर जिसको आप बोलते हैं वी नॉट। ये इक्वेशन यहाँ पे लिखो, यहां से आपका वी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? आर आर कटा, एम एम कटा, तो वी नॉट क्या है आपका? रूट में जी एम अपॉन आर। आर मतलब क्या? डिस्टेंस है, ऊपर है, ऊपर सेटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, आर इज इक्वल टू आर प्लस एच। अब देखिए हमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेटेलाइट निकालना है, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग सेटेलाइट, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ स्मॉल एम, स्मॉल एम क्या? जो पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, अरे भैया अर्थ थोड़ी रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सेटेलाइट, द सेटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो स्मॉल एम, और ये वी नॉट का स्क्वायर, वी नॉट का स्क्वायर क्या होगा? जी एम अपॉन आर, तो यहां से फॉर्मूला क्या आएगा? तो जी एम एम अपॉन टू आर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी सेटेलाइट या एनी प्लैनेट अराउंड द अर्थ, अराउंड द सन, और एनी सेटेलाइट अराउंड द अर्थ, या फिर इलेक्ट्रॉन का भी आप बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का ही, तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो आप पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो माइनस जी एम एम अपॉन आर, ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी, क्या आपका पोटेंशियल एनर्जी? नो, टोटल एनर्जी क्या होगा? तो टोटल एनर्जी व्हाट? टोटल एनर्जी ऑफ एनी मटेरियल बॉडी इज व्हाट? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करेंगे कितना आएगा आपका? यहाँ क्या आपका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या है? जी एम एम अपॉन टू आर, और माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, जी एम एम अपॉन आर इज रिटन एज, ठीक है, जी एम एम अपॉन टू यहां भी है और यहां भी है और आर यहां भी, यहां भी क्या आएगा? 1 by 2 positive में, 1 by 2 minus, यहां क्या आपका ऊपर, तो half minus 1 क्या आएगा आपका? minus gmm upon r, minus gmm upon r, this is the total energy, और negative क्या बता रहे हैं? तो negative क्या बता रहा है? system is attractive in nature, system is what? bounded by the earth, जिस तरह इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला आप पढ़ चुके, ई एन इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द हाइड्रोजन आइटम, एंड फॉर द हाइड्रोजन लाइक आइटम यहां भी क्या होगा? जेड स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा। तो ये माइनस क्या बता रहे हैं कि अभी जितने भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे अराउंड द न्यूक्लियस अराउंड द प्रोटोन वो अट्रैक्टेड है, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव प्रोटोन के बीच क्या आपका अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जहां भी सिस्टम अट्रैक्टिव है, जहां भी सिस्टम बाउंडेड है, अभी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ है, ठीक है, बाउंडेड है, तो यहाँ सिस्टम आपका अट्रैक्टिव इन नेचर है, तो जहां भी आपका नेगेटिव होता है, ठीक है, याद रखना है यहाँ पे जो नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन सोचता है सिस्टम इज अट्रैक्टिव, बाउंडेड इन नेचर,
नेगेटिव साइंस शोज दैट सिस्टम इज अट्रैक्टिव और बाउंडेड इन नेचर। अब देखिए जब आपका मान लीजिए न्यूमेरिकल आएगा तो भाई आप कितना वैल्यू पुट करेंगे, मान लीजिए कोई एक सैटेलाइट का मास दिया स्मॉल है तो आपको बार बार वैल्यू पुट करना क्या काइनेटिक एनर्जी के लिए अलग और पोटेंशियल एनर्जी के लिए अलग और टोटल एनर्जी के लिए अलग, नहीं। तो इसके लिए शॉर्ट मेथड क्या है, तो इसके लिए शॉर्ट मेथड देखिए, काइनेटिक एनर्जी मेरा ये है, हम क्या कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी को बोल रहे ई के, काइनेटिक एनर्जी को बोल रहे क्या ई के। मान लीजिए आपको एक वैल्यू सॉल्व करना है तो हमने काइनेटिक एनर्जी के थ्रू हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर ली। ना पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो हम क्या करें इसको टू का मल्टीप्लाई और टू का डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं टू का मल्टीप्लाई और टू का डिवाइड, ठीक है। इसी इक्वेशन में हम टू का मल्टीप्लाई और टू का डिवाइड करें, कुछ भी फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा भाई, ये कट गया मेरा ओरिजिनल इक्वेशन अनअफेक्टेड है। तो इसको लिख सकते हैं क्या हम कि माइनस टू, ठीक है चूंकि माइनस है और क्या होगा आपका तो जी एम एम अपॉन टू आर, एक टू यहां से मिल गया मेरे को, पर ये जो जी एम एम अपॉन टू आर है ये है क्या आपका, गौर से देखिए दिस इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट, so it can be written as minus 2 times of ek। kitna aasan hai, agar aapka kinetic energy nikal gaya to potential energy kya hai, just negative mein double karna hai minus 2 times of ek। now total energy ka value kya hai, to total energy gaur se dekhi, kinetic energy ka formula hota hai gmm upon 2r, aur yahan kinetic energy total energy kya aapka just negative of kinetic energy, matlab kya minus of ek। तो कितना आसान हो गया, अगर आपका काइनेटिक एनर्जी आपके पास है देन पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बस नेगेटिव लगा देना है, और टोटल एनर्जी तो भैया सिस्टम अट्रैक्टिव है क्योंकि अभी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा नहीं कि सैटेलाइट अपने ऑर्बिट को छोड़कर कहीं दूर चला गया, सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, इसका मतलब क्या अर्थ और सैटेलाइट में अट्रैक्शन है, अर्थ सैटेलाइट को बाउंडेड करके घुमा रहा है, जिधर वो घुमा रहा है उधर वो सैटेलाइट एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ऐसे भी आप देख सकते हैं टोटल एनर्जी इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना है ई के, पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है माइनस टू टाइम्स ऑफ ई के, माइनस और प्लस क्या आएगा माइनस क्या आएगा ई के, तो वही तो आ रहा है वही आपका टोटल एनर्जी, ठीक है। तो इसको बहुत गौर से आप रिवीजन कीजिएगा, इसमें बस एक चीज बच गया क्या कि अभी तो आपने सिर्फ सिंपल एक सैटेलाइट के बारे में डिस्कशन किया और उसके वेलोसिटी पर और ऑर्बिट अभी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। अब देखिए अभी आप जो इसके वेलोसिटी जानते हैं वो क्या आपका सिर्फ 11.2 किलोमीटर पर सेकंड टू जस्ट क्रॉस द ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे ये अगर आपका अर्थ है और ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड का रीजन है, ग्रेविटेशनल फील्ड का रीजन मतलब कि आप पार्टिकल को रिलीज किए पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहा है बाय द अर्थ क्योंकि अर्थ में ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट कर ले रहा है, पर जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं ग्रेविटी कम हो रहा है, तो मान लीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड है इसके बाहर आप जाएंगे तो पार्टिकल विल नॉट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ अट्रैक्शन क्योंकि वहां पर ग्रेविटी नहीं लग रहा है, पार्टिकल ग्रेविटी से बाहर चला गया, पार्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर गया, ठीक है। तो यहां से जो कोई पार्टिकल को आपने थ्रो करना है, कोई पार्टिकल को आपको यहां से थ्रो करना है कहां ताकि मेरा पार्टिकल बाहर चला जाए, इसको आपने दिया मिनिमम 11.2, अगर 11.1 भी होगा तो पार्टिकल बाहर नहीं जा पाएगा, वो क्या होगा ऊपर तक जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस नहीं किया। तो ये मिनिमम वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड टू क्रॉस द ग्रेविटेशनल रीजन ऑफ ग्रेविटेशनल रीजन, पर अगर आपने स्पीड दिया है 12, आपने स्पीड दिया 100 किलोमीटर पर सेकंड तो क्या होगा, ये तो बहुत आसानी से आपको क्रॉस करेगा, पर ये जितना दूर जाएगा उसका रेडियस उसका ऑर्बिट उतना दूर बनेगा, जैसे आपने पार्टिकल को इतना दिया पहला पार्टिकल ए, तो इसका ऑर्बिट क्या होगा, ये बाहर तो गया
पर ये जस्ट यहां पर ऑर्बिट बनाएगा यहां पर, क्योंकि ये जस्ट क्रॉस किया ग्रेविटेशनल फील्ड को, तो कहां पर होगा ये, यहीं पर अपना ये सैटेलाइट बन जाएगा और ये हमेशा रिवॉल्व करता रहेगा अराउंड द अर्थ। पर एक को आपने दिया 100 किलोमीटर पर सेकंड, तो ये क्या होगा, बहुत दूर जाएगा और ये दूर जाकर अपना बड़ा रेडियस बनाकर वो अपना रिवॉल्व करेगा अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो कल हम बताएंगे टाइप्स ऑफ जो आपका ये है ऑर्बिट है कि पैराबोलिक ऑर्बिट कब बनेगा या एलिप्टिकल ऑर्बिट कब बनता है या सर्कुलर ऑर्बिट कब बनेगा कोई भी सैटेलाइट का या कोई भी प्लैनेट का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखिए, इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, हर एक फॉर्मूला माइंड में डालिए। आज आपका ग्रेविटेशनल फील्ड पूरा कंप्लीट हो गया, पर अभी एक दो दिन और हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे ताकि चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो, कहीं से भी क्वेश्चन आए आपका बन जाए, फिर इसके बाद आपको शीट देंगे उसको सॉल्व कीजिए, दैट इज व्हाट ग्रेविटेशन का कंप्लीट हो गया। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना, वही शीट आप बार बार सॉल्व कीजिए, वही बार बार प्रैक्टिस कीजिए, उसी से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है।